नमस्कार दोस्तों, राधा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फूल गोभी की सब्जी। फूल गोभी को हमने गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगा के रखा था। दोस्तों, हमें फूल गोभी को बॉईल नहीं करना है, बस हल्के से कलर चेंज करने के लिए रखना है। यहीं पे हमने 2 बड़े आलू लिए हैं, उसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें हम ऐड कर देंगे आलू। आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। दोस्तों, हमें आलू और फूलगोभी को अलग अलग ही फ्राई करना है, एक में नहीं फ्राई करना है, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस होता है। दोस्तों, हमारा आलू हो चुका है, अब हम ऐड कर देंगे इसमें फूलगोभी। फूलगोभी को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब तक हमारा फूल गोभी पक रहा है तब तक हम मटेरियल देख लेते हैं। हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 प्याज लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च, 100 ग्राम हमने बटाना लिया है। बटाना को हमने गर्म पानी में बॉईल होने के लिए रख दिया है गैस पर। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। दोस्तों, हमने प्याज का बैटर नहीं बनाया है, टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे रफली चॉप करके। ग्राइंडर में हम टमाटर को ऐड कर देंगे और इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, हमारी फूलगोभी पक चुकी है, अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर की प्यूरी भी तैयार हो गई है। आदू लहसुन मिर्चा का पेस्ट तैयार कर लिया है। कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, चक्रफूल, बड़ी इलायची, सूखे धनिया, सूखी लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और तेजपात। 2 बड़े चम्मच तेल लेके अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, हाथों से क्रश करके डालिएगा। जीरा अच्छे से कड़क जाए। जीरा हमारा कड़क चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे चक्रफूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, सूखा मिर्चा, 1 लौंग, 1 काली मिर्च। सूखा का धनिया हाथों से क्रश करके डाल देंगे। इससे क्या होता है, हमारे सब्जी में बहुत ही अच्छी स्मेल और फ्लेवर आता है। इसी में हम तेजपत्ता ऐड कर देंगे। सारे मसालों को अच्छे से हम 2 मिनट तक भून लेंगे। यहीं पर हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। प्याज हमारा भून चुका है, इसी पे हम ऐड कर देंगे आदू लहसुन मिर्चा का पेस्ट। इसे भी हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन का जो स्वाद होता है वो निकल जाए। अब हम यहीं पे ऐड करेंगे मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। दोस्तों, हमने गरम मसाले का कम यूज किया है, क्योंकि हमने खड़े मसाले का यूज किया है। 1 चुटकी हींग डालेंगे। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हम यहीं पे ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी।
मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें से तेल छोड़ने लगे। देखिए दोस्तों, हमारा अच्छे से मसाला भून चुका है, इसमें से तेल छूटने लगा है। अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे मटर जो हमने बॉईल करके रखे थे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसे हम 2 मिनट तक पका लिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे आलू और फूल गोभी। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ग्रेवी, इसमें हम पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जाड़ी या पतली। स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से कर देंगे मिक्स। ढक्कन से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी का कलर कितना मस्त आया है, और जितना ही कलर देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आप भी अपने घर पे जरूर बना के ट्राई करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी सब्जी कैसी बनी है।